This call is now being recorded. Well, दोस्तों अगर आप भी अपने Vivo के T2 Pro 5G मोबाइल फोन के अंदर किसी भी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तब उस टाइम पे ये जो गूगल डायलर की अनाउंसमेंट होती है जो अलर्ट होता है रिकॉर्डिंग का ये आपको भी सुनाई देता प्लस आगे वाले पर्सन को पता चल जाता है कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है। सो डोंट वरी, आप सभी को इसका परमानेंट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मिल जाएगा विदाउट कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किए। आप लोग जो किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे और ये जो रिकॉर्डिंग साउंड होता है अलर्ट होता है इसको भी आप इजीली बंद कर पाओगे। सो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो में बताए गए प्रोसेस में आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बेफिक्र होकर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हेल्पफुल लगे तो गाइज इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित दीक्षित एंड आप देख रहे हो शर्मा क्रिएशन। यहाँ पे देखो फर्स्टली आपको आपके मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इस पे क्लिक करके अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर अपडेट आया हुआ है तो सबसे पहले उसको अपडेट कर लो। देन यहाँ पे आपके मोबाइल फोन को रिस्टार्ट कर लेना और वापस से सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर में सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है अल्टरनेट। ये वाला जो वर्ड है मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। सेम टू सेम एज इट इज आपको यही वाला वर्ड सर्च करना है और ये वर्ड सर्च करने बाद यहाँ पे आपको नीचे सजेशन में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता है तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक कोड बता दूंगा, दूसरा तरीका बता दूंगा जिस कोड को आप अपने मोबाइल फोन के फोन डायलर में टाइप करके सीधा जो इस वाले ऑप्शन पे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली जो है इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा ओके का, इसको ओके कर दो। देन यहाँ पे सेट नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ पे सेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। तो नीचे वाला जो फोन का यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन बना हुआ है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका फोन डायलर जो पुराना डायलर आता था वीवो के फोन्स के अंदर वो सेम यहाँ पे डायलर आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो गाइस इतना प्रोसेस करने बाद आपके मोबाइल फोन में ये सेटिंग नहीं होती है तो मैं चलिए आपको एक कोड बता देता हूँ, उसको सेम टू सेम आपको जो है अपने फोन डायलर के अंदर यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा और सेम टू सेम ये कोड टाइप करने बाद आपको जो यहाँ पे इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से आप जो इसको सीधा यहाँ से इनेबल कर सकते हो बंद मिलेगा। तो यहाँ पे ओके कर लो और सेट नाउ वाले ऑप्शन पे करके सिंपली दूसरे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके जो रिकॉर्डिंग वाली प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी।